हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फो एन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू बीएड के बारे में, जो कि डिस्टेंस मोड में होता है। और जिन लोगों को नहीं पता, इग्नू की फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहां आपको बहुत सारे डिस्टेंस कोर्सेज मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स में आप कर सकते हैं, डिप्लोमास मिल जाएंगे, बैचलर्स, यूजी और भी कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इग्नू बीएड के बारे में बात करूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम, फीस वगैरह कितनी है, आप इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, तो जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो हर एक चीज़ इसमें कवर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इग्नू बीएड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस मोड में इग्नू प्रोवाइड करता है कोर्स। बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए करना ज़रूरी है। तो इसकी ड्यूरेशन जो होता है वो 2 to 5 years होता है। आप मिनिमम 2 साल में कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल ले सकते हैं, एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस। फीस की अगर मैं बात करूँ तो पूरे कोर्स की फीस 50,000 rupees है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप इग्नू में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको पूरे करने होंगे। तो नंबर वन है, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके अंदर 50% आपके कम से कम होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक किया है इंजीनियरिंग में, आपके पास डिग्री है, तो आपके 55% होने चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर मिल जाएगा। तो आपको 45% अगर ग्रेजुएशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि ट्रेंड टीचर का, मतलब कि आपने कोई NCTE रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कर रखा है टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि डिस्टेंस मोड में नहीं चलेगा, आपका फेस टू फेस मोड में ही होना चाहिए, NCTE रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या आप इन सर्विस टीचर हैं, मतलब आप किसी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जॉब में हैं, तो वो क्राइटेरिया। तो ये सब क्राइटेरियाज आपको पूरे करने होते हैं अगर आप इग्नू बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सी कंफ्यूजन रहती है इससे रिलेटेड कि इन सर्विस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, मैं इन सर्विस हूँ लेकिन मैंने डिप्लोमा नहीं किया तो क्या मुझे मिल सकता है एडमिशन। कोई किसी का एक क्वेश्चन होता है कि मैंने डिप्लोमा कर रखा है लेकिन मैं इन सर्विस नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ों पर मैं आखिर में बात करूँगा, तो अभी हम और चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड में, मैं ये वाली चीज़ें सारी क्वेश्चंस अलग से आपके कवर कर दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर कि अगर आप बीएड में एडमिशन मिल जाता है तो आप पढ़ेंगे क्या, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे आपके इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर मिलने वाला है और आपको इसमें वर्कशॉप भी करने को मिलेंगी, इंटर्नशिप करने को मिलेंगी। तो आपको पहले साल में इंटर्नशिप करने को मिलेगी जो कि 4 weeks की होगी, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 महीना। और जो सेकेंड ईयर होगा उसके एंड में भी आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगी जो कि 16 weeks की होगी, ऑलमोस्ट 4 महीने आप कह सकते हैं। तो 4.5-5 महीने की आपके इसके अंदर इंटर्नशिप्स ही करने को है और कहीं स्कूल में ये इंटर्नशिप्स होगी और ये मैंडेटरी है, तो आप इंटर्नशिप्स को नहीं छोड़ सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करिकुलम का पार्ट है, आपको ये पूरा करना होगा। तो चलिए अब हम करिकुलम देख लेते हैं, चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए हम देख लेते हैं करिकुलम। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर का जो भी सब्जेक्ट्स होंगे ये यहाँ लिखे हुए हैं, सेकंड ईयर के यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सब देख सकते हो आप, कोर्स आप जो पढ़ोगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करके है, उसके अलावा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है सेकेंड, देन लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स है, पेडागोजी ऑफ साइंस है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, देन इंग्लिश, हिंदी, देन वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट है। बाकी उसके अलावा देखिए ये इंटर्नशिप है जिसका मैंने वीडियो में पहले बताया भी है कि 1 साल के बाद जो इंटर्नशिप होगी वो आपकी 4 weeks की होगी, 4 हफ्तों की होगी। और सेकेंड ईयर की भी देख लेते हैं, सेकेंड ईयर में आप कुछ ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज, देन ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड योगा, देन इंटर्नशिप है जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी है करनी, और ये वाली इंटर्नशिप आपकी 16 weeks की है।
तो दोनों इंटर्नशिप्स में पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट आपकी 4.5 महीने की है, 5 महीने की, तो ये करनी मैंडेटरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और अब फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली जनवरी में फॉर्म्स आ जाते हैं, जून जुलाई में एग्जाम हो जाता है। तो अभी दिसंबर का महीना है 2020 का, तो अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं तो अब अगले महीने में मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म्स आएंगे और फिर आप उसे फिल कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की। तो जो पेपर होता है उसका नक्शा किस तरह का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है 2 घंटे का आता है, 120 मिनट्स का। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। तो अगर आप गलत आंसर भी कर देते हैं तो आपके मार्क्स इसके अंदर डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शंस की। तो इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 सब सेक्शन होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वो 20 मार्क्स के होते हैं। फिर होता है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, वो 25 मार्क्स का होता है। और एक लास्ट सेक्शन होता है टीचिंग लर्निंग इन द स्कूल, वो भी 25 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 80 मार्क्स का, ये सेक्शन ए है। इसके अलावा सेक्शन बी होता है जिसके अंदर आपको कोई एक चूज करना होता है, या तो आप साइंस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ये भी 20 नंबर का है। तो टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स। तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सारे क्राइटेरियाज मैं आपसे बोल रहा था कि कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो कि एलिजिबिलिटी के ऊपर होते हैं। तो मैंने आपसे जैसे कि वीडियो में वादा किया था कि मैं आखिर में बात करूंगा उसके ऊपर, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं एलिजिबिलिटी। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन चाहिए होती है, ये तो है ही एलिजिबिलिटी। उसके अलावा ये देखो 2 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, ट्रेंड इन सर्विस टीचर, मतलब आप किसी स्कूल में एलिमेंट्री स्कूल में जॉब कर रहे हो, और एक होता है जिन्होंने NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा है फेस टू फेस मोड में। अब कंफ्यूजन क्या आती है स्टूडेंट्स को कि ये दोनों होने चाहिए या एक होना चाहिए इनमें से, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अब। और ये इग्नू ने एक अलग से एक और स्लाइड भी बना रखी है, ये PDF, इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है। ठीक है, तो पहले इन सर्विस बता दूं मैं आपको, इन सर्विस वो होता है जो किसी स्कूल में काम कर रहा होता है और ट्रेंड टीचर उसे बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने यहां दिया हुआ भी है, जिसने NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में कर रखा है। अब क्वेश्चन ये वाला देखते हैं कि इज इन सर्विस कंपल्सरी कंडीशन। तो यहां आपको मैं पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट्स फॉल अंडर कैटेगरी 2 ऑफ एलिजिबिलिटी बी। कैटेगरी 2 है मतलब कि जिसने टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा हो। इन सर्विस इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन, इन सर्विस कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। किन कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा है थ्रू फेस टू फेस मोड। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है, आपको इन सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरे तरीके से सोचते, आपने इन सर्विस क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, बट आपके पास ये नहीं है, NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि इन सर्विस ना होना भी चल जाएगा, लेकिन डिप्लोमा ये वाला आपके पास होना ही चाहिए, NCT रिकॉग्नाइज प्रोग्राम। ठीक है, अगर ये वाला होगा आपके पास तो ये बच जाएगा आपका इन सर्विस वाला। लेकिन अगर आप इन सर्विस हो फिर भी आपको ये वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर दी NCT रिकॉग्नाइज फेस टू फेस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब मैं ये तो बोल रहा हूं कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए, तो ये 13 प्रोग्राम दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी आपने कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की कैटेगरी को पूरा कर दोगे। तो जैसे कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम दे रखा है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देन बैचलर ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये पूरी लिस्ट है, ये आप खुद भी देख सकते हो वेबसाइट पर, इग्नू की ये अवेलेबल है।
और एक क्वेश्चन और बहुत स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एन इन सर्विस, मतलब अगर आप इन सर्विस हैं तो कितना ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोई एक्सपीरियंस का ऐसा रूल नहीं है कि 2 साल का होना चाहिए, ऐसे आप करंटली जॉब में होने चाहिए, आप इन सर्विस होने चाहिए। तो लिखा हुआ है देर इज नो स्पेसिफाइड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड इन सर्विस टीचर मीन्स अ टीचर, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई स्पेसिफाइड मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है इन सर्विस के लिए, आप उस वक्त जिस वक्त अप्लाई कर रहे हैं आप जॉब में होने चाहिए। आई होप कि आपकी जो भी क्वारीज हैं वो पूरी हुई हो। अगर अभी भी कोई क्वारी है तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन देयर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो मेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन देता हूँ, जहाँ आपको मौका मिलेगा मुझसे लाइव बात करने का वन ऑन वन। तो अगर आपको करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड फीस ऑफर चल रहा है 31 दिसंबर तक, तो अगर आप तब कर लेते हैं तो आपको वो ऑफर मिल जाएगा। मैंने एक और अपना चैनल बनाया जिस पर मैं इंटरेस्टिंग फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड व्लॉग्स डालता हूँ, तो आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।